बिहार के वैशाली जिले से लचर कानून व्यवस्था की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां एक मामले में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर वहां मौजूद उपद्रवियों ने हमला करना शुरू कर दिया। ईंट पत्थर तलवार भांजे गए। वहां मौजूद महुआ के डीएसपी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। कैसे क्या हुआ है? कल हम लोग छापामारी में थे, केसेस जो भी पेंडिंग केसेस है उसकी अरेस्टिंग में हमारा जो महुआ थाना पूरा टीम फोर्स छापामारी में गई हुई थी। तो अंधेरे का फायदा उठा के जो अभिपक्ष है वो ईटा पत्थर फेंके लगे, तलवार भाजने लगे, जिससे हमारे कुछ फोर्स घायल हो गए और ज़्यादा ही विधि व्यवस्था वहाँ भी बिगड़ गई। फिर हम लोगों ने तुरंत ही फोर्स किया, उसके बाद वो लोग फायरिंग वगैरह भी फायरिंग करने 5-6 राउंड लोगों ने फायर किया। उसको देखते हुए हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स मंगाए, प्रोटेक्टर वगैरह निकाल के हम लोगों ने पूरा सर्च किया और सक्सेसफुल रहे हैं। सभी लोग की अरेस्टिंग हुई है, 12-13 लोगों की है। बाद में जब सारा डिटेल आ जाता है, क्योंकि अभी हम लोग सर्च नहीं थे, तो सारा कुछ दिया जाएगा। उसके बाद सब अरेस्टिंग हुई है, कुछ हमारे फोर्स हमारे घायल हुए, तारा प्रभारी घायल हुए हैं और जो क्षति पहुँची है हमारे कुछ हमारे सरकारी संपत्ति को भी क्षति पहुँचाया गया है उनके द्वारा। तो पूरा सर्च अच्छा हुआ है, अरेस्टिंग अच्छी हो गई है और कोशिश रहेगी कि इस तरह की घटना को अभी कोई अभियुक्त ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा। बता दें कि वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र में पुलिस पर जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई। यहां एक वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया है, जिसमें थाना अध्यक्ष, एक एसआई और 3 चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अन्य पुलिस कर्मियों को भी हल्की चोटें आई हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर फिलहाल महुआ डीएसपी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने में जुट गई है। मामले में बताया जा रहा है कि सुबह सुबह महुआ पुलिस को यह जानकारी मिली कि 307 का फरार वारंटी यहां पर छुपा हुआ है, जिसके बाद थाना अध्यक्ष के साथ साथ पुलिस की एक टीम वारंटी को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए महुआ रवाना हुई थी, लेकिन इससे पहले ही वह अपराधियों को गिरफ्तार कर पाते पुलिस पर हमला कर दिया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष, एसआई और 3 पुलिसकर्मियों को तलवार से हमला कर घायल कर दिया गया। 5 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर है और उन्हें हाजीपुर रेफर करने की बात कही जा रही है। वहीं इस मामले की सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और अधिकारियों की टीम मौके पर रवाना होने की बात सामने आई है। फिलहाल डीएसपी पूनम केसरी ने कमान संभाल ली है, लेकिन अब पत्थरबाजी जारी है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो चुका है। आपको बता दें कि आरोपित को गिरफ्तार करते ही उनके परिजन व ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस लौट गई। कुछ देर बाद पुनः बड़ी संख्या में जवानों के साथ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। लाठी, तलवार और भाले से भी हमला किया गया है। देखना दिलचस्प होता है कि अब उस आरोपित पर क्या कार्रवाई होती है। इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। धन्यवाद।